सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चौदह फरवरी ये वही तारीख है जब हमने अपने देश के वीर जवानों को खोया था। साल 2019 में इसी तारीख को जब दुनिया भर में कई लोग वैलेंटाइन डे पर अपने दोस्तों के साथ इस दिन का जश्न मना रहे थे, तभी दोपहर करीब 4:15 बजे टीवी पर ऐसी खबर आई कि पूरा देश दहल गया, सभी सन्न रह गए और लोगों के दिल रो पड़े, हर आंख दम थी। प्यार मोहब्बत का ये दिन भारत के लिए एक ब्लैक डे बन गया। आज थे टीवी की पूरी टीम की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की पहली बरसी पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चौदह फरवरी 2020 इस आत्मघाती घटना की पहली बरसी पर हमले में शहीद हुए सभी शहीदों को श्रीनगर के लेथपोरा कैंप में पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ ने शहीद हुए जवानों को याद किया, जो 40 जवान हमले में शहीद हुए थे। यहां पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है जो शहीद जवानों के सम्मान में बनाया गया। एक शहीद स्तंभ का अनावरण पुलवामा हमले के शहीदों के नाम के साथ किया गया। पुलवामा हमले के शहीदों के नाम के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्येय वाक्य सेवा और निष्ठा भी लिखा हुआ है। क्या हुआ था 14 फरवरी 2019 को? पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ जवानों से भरी बस से एक विस्फोटक से भरी गाड़ी सीधी जा टकराई और एक जोरदार भीषण धमाका हुआ। उस धमाके का काला धुआं हटा तो सड़क पर हमारे देश के वीर जवानों के शव धरती पर पड़े हुए थे। धमाका इतना तेज था कि सड़क कई दूर तक खून से सनी हुई थी। जवान मोर्चा संभालते कि उससे पहले ही आतंकियों ने सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग खड़े हुए। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज श्रीनगर के कुछ इलाकों तक भी सुनी गई। जैसे ही मीडिया में पुलवामा की तस्वीरें आईं, पूरा देश दहल गया। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि इस हमले का बदला लो, आतंकियों को मारो और दुश्मनों को करारा जवाब दो। जैश ए मोहम्मद हमले का जिम्मेदार। आत्मघाती पुलवामा हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी। बताते चलें कि इस हमले को अंजाम देने वाला उसी इलाके का महज 20 साल का एक लड़का था, जिसका नाम आदिल अहमद डार था। आदिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। भारतीय सेना ने लिया हमले का बदला। दिल को दहला देने वाला ये हमला, जिसके बाद पूरे देश में रोष था। हर दिल बस यही कह रहा था, बस यही मांग थी कि दुश्मनों को करारा सबक सिखाया जाए। और हुआ भी ये। 26 फरवरी को तड़के भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 जेट्स ने ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मन कांप उठे और उनको भागने के लिए भी जगह नहीं मिली। हालांकि ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने भारी खामियाजे का दावा किया है। पूरे देश में माहौल ही बदल गया। सेना ने इस एयर स्ट्राइक को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि बताया। पाकिस्तान ने इस हमले में ज्यादा नुकसान से इनकार किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उसको कितनी क्षति पहुंची। इस हमले में कई लोगों ने अपने दिल के करीबी को खोया है। उन सभी परिवारों को शत शत नमन।
आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं उस लम्हे को याद कर। एक बार फिर उन सभी वीर शहीदों को हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।